हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमने अक्षर थे तैरा की थी तो वेक्टर वाली उसको हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में उसने बताया था और मैंने आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन वो भी करवाए थे, ठीक है ना। जिससे पहला प्रश्न मैंने आपको करवा दिया था। अब देखो, इसमें एक बार आप दो के प्रश्न को दोबारा देखिए। इसमें पूछा है फाइंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ऑफ वेक्टर्स आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप एंड टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप। यानी आपके पास क्या दो वेक्टर है, ये मान लो ये आ रहा है मेरे पास आई कैप माइनस का टू जे कैप और प्लस में के कैप, और वेक्टर बी आ रहा है मेरे पास ये जो है टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप। देखो दोनों के ऊपर आपको क्या निकालना है, एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। आप इस बात का आप हमेशा ध्यान देंगे, जब भी आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होता है तो इसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, दोनों के बीच से मान लो कोई एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है ना। अब अगर आपको दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर लेना पड़ेगा तो देखो बिल्कुल ये काम करेगा जो मार्कर है मेरा, वो देखो दोनों के साथ 90 एंगल बना रहा नहीं है, तो ये इसकी दिशा में इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर आपको एन कैप प्राप्त करना है, ये हो गया मान लो एन कैप, जो दोनों पर क्या है परपेंडिकुलर, इस पर भी लंबवत है ये और इसके ऊपर भी क्या है लंबवत, ये वेक्टर आपको अभी क्या करना है प्राप्त करना है। तो आप लिखोगे यानी वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंबवत इकाई सदिश एन कैप है। क्या मान लिया आपने, कब मान लिया, और एन कैप का मान क्या आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर और बटे में इसी वेक्टर के लेना आपको परिमाण लेना है, ठीक है ना। तो ये सब बात प्राप्त करने के लिए पहले आपको इसमें निकालना पड़ेगा वेक्टर ए क्रॉस बी का मान। तो देखिए हम कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप। अब ये तुम्हारे पास मान है एक माइनस दो और एक आ रहा है, एक माइनस दो और ये एक, इसका रहा है दो एक और माइनस का तीन, दो एक और माइनस का तीन। अब देखो इसको सरल करेंगे पहले आप, तो आई कैप का मान आ गया मेरे पास छः माइनस का एक, क्यों सारणी को सरल करना आपको इसको, और माइनस जे कैप का मान आएगा अभी कितना माइनस तीन माइनस दो आ जाएगा, और प्लस के कैप के इंटू में क्या आएगा, अभी इसके इंटू में आ जाएगा आपका एक और प्लस में चार आ जाएगा। तो वेक्टर जो एक क्रॉस भी है वो आपके पास कितना आ गया है पाँच आई कैप, ये माइनस पाँच हो गया प्लस का पाँच जे कैप और वारा प्लस का पाँच के कैप। तो ये तो आपने ए क्रॉस बी वेक्टर वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखिए साथ में आपको इसका परिमाण भी चाहिए ना, क्योंकि ये वेक्टर इसकी दिशा में वेक्टर तो आ गया दोनों को लंबवत, लेकिन ये भी इकाई सदिश नहीं है, तो हमें इसका परिमाण है उसको निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो आपने ए क्रॉस बी बराबर मेरे पास किएगा रूट में इसका परिमाण दे रहे हो आप, ठीक है ना। तो परिमाण इसका हो गया 25 प्लस 25 प्लस 25 इन रूट 125 हो गया, सॉरी 75 हो गया। तो मेरे पास मान क्या आ गया अभी, और इसका वर्गमूल जब आप निकालते हो तो 75 होता है ना, इसको आप 5√3 मान लेंगे, 5√3 मात्रक, ये इसका परिमाण आ गया। इसलिए आपको एन कैप का मान क्या लिखना है ए क्रॉस बी वेक्टर बटे ए क्रॉस बी का परिमाण। अब ए क्रॉस बी तो आपके पास आया था कितना 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, जब इसका परिमाण मेरे पास 5√3, ऊपर आपने 5 कॉमन लिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बटे मारा है 5√3, काट दो से भी 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, ए और बी दोनों पर लंबवत सदिश आपने एन कैप प्राप्त कर लिया है, जो कि क्या है एक इकाई सदिश है, यानी उसका परिमाण कितना हमारे पास एक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी दो वेक्टर के ऊपर लंबवत वेक्टर प्राप्त करना होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, तो हमेशा आप इस क्रॉस वाली फॉर्म से प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। ये तो था हमारा कौन सा सवाल नंबर था जो दो वह। अब देखिए आगे सवाल नंबर तीन। अब देखो तीन नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, हम प्रश्न संख्या तीन की बात अभी करेंगे। देखो
नंबर जो प्रश्न देखो उसमें ये लिखा हुआ है, यानी आपके पास क्या है, ए और बी कोई भी दो वेक्टर है, ठीक है, और आपको प्रूव ये करना है कि जो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर होता है उसको आपको क्या लिखना है, ए डॉट ए वेक्टर और ए डॉट बी वेक्टर, फिर से ए डॉट बी वेक्टर और बी डॉट बी वेक्टर, ये सारणी के रूप में आ रहा है, इसके बराबर आपको इसको भी लिखना होता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, आप सबसे पहले आपने इसका एलएचएस लिया है जो मेरे पास आ रहा है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। अब मेरे पास सुनो, इसको आप ये सदिश गुणनफल है, इसको आप कभी ऐसा मत कर देना कि आपने इसको ऐसे अलग अलग लिख दिया कि ऐसे लिख दिया, ये गलत है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कर सकते आप इसको, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पहले अंदर वाले का जो सॉल्यूशन वो लिखना पड़ेगा, क्या होता है, देखो इस अंदर वाले का मान होता है हमारे पास क्या, ये होता है ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, होता कि नहीं होता है, हम ए क्रॉस बी का मान ये तो लिखते हैं ना, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो स्क्वायर है वो आप सबके एन के, क्योंकि अब सारी अधिस राशि आ गए तो इनके आप अलग अलग लगा दो, तो ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एन का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये तो आ रहा आपका ए के परिमाण का स्क्वायर, ये बी के परिमाण का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा, और जो एन कैप का स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है आपका एक हो जाता है। देखो कैसे होता है, यहाँ पर एन कैप का आपका क्या है, कोई भी एक इकाई सदिश है, इकाई सदिश का जब आप ऐसे वर्क करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, एन कैप डॉट दोनों का अधिस गुणनफल होता है, और अधिस गुणनफल करने उसका मान किया बिल्कुल आपका एक आएगा। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास एन कैप ये इकाई सदिश का मतलब मान लो मेरे पास ये आई कैप है, ये इकाई सदिश है ना, और जब मैं एन कैप डॉट एन कैप लूंगा यहाँ पर तो आई कैप डॉट आई कैप लूंगा ना, तो मान एक आएगा आपका वैसे, ठीक है ना। तो इसलिए इकाई सदिश का जब आप वर्क करोगे इस तरह से तो उसका मान क्या हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। अब मेरे पास ये तो आ रहा है ए के परिमाण का स्क्वायर, ये बी के परिमाण का स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर थीटा, देखो उत्तर आपको डॉट की फॉर्म लेके आना है ना, और डॉट की फॉर्म में आप जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा काम आता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है आपका, ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म एन क्रॉस प्रोडक्ट लाना था आपको वहाँ पर साइन चाहिए, जबकि डॉट चाहिए आपको क्या चाहिए वहाँ पर कॉस। तो ये कॉस लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस साइन को मैं कॉस की फॉर्म में लिख दूंगा, कैसे, इसको मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, इसको कर दिया इस साइन स्क्वायर थीटा को। अब देखिए इसको जब आप अंदर गुणा करो तो वहाँ आ पाए तो ये आएगा, फिर बी के परिमाण का स्क्वायर, पहले एक से गुणा हो गया, बाद में वापस ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर और आगे फिर से आ रहा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, आपने इसको याद कर लिया है। अब देखो एक बार आप इनको तो पढ़ें तो सेम, इनके बाद तो हम बाद में करेंगे। अब देखो ये जो आपका मान देखो सारा होल स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि तीनों होल स्क्वायर में, तो आप तीनों का एक साथ भी स्क्वायर वो मान सकते हो। अब देखिए जो यहाँ पर ए के परिमाण का स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, इसको आप क्या मान सकते हो, ए डॉट ए मान सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, देखो जब भी ए के परिमाण का स्क्वायर होता है तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इससे भी आपको अधिस राशि प्राप्त होगी, इससे भी आपको अधिस राशि प्राप्त होगी, दोनों बिल्कुल क्या आएगी, समान आएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, ए के जो परिमाण का स्क्वायर है उसको मैंने ए डॉट ए कर दिया है इनटू, और जो बी के परिमाण का स्क्वायर उसको मैंने क्या कर दिया है, बी डॉट बी कर दिया है। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये ए के परिमाण का स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, बी के परिमाण का स्क्वायर मतलब बी डॉट बी हो गया माइनस। अब यहाँ जो मेरे पास मान है उसको मैं क्या कर दूंगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये अंदर वाला मान आपका ए डॉट ई बन गया ना, और बाहर उसका क्या लगा है, होल स्क्वायर। अब ये मान आपका आ जाएगा ए डॉट ए इंटू में बी डॉट बी माइनस में, इसको आप ऐसे दो बार गुणा में दो इसको आप अभी ए डॉट बी और ए डॉट बी। अब देखिए अगर आप इसको वापस सारणिक बनाना चाहते हैं, मैंने बता रखा सारणिक में क्या होता है, पहले मुख्य विकर्ण दोनों गुणा होते हैं आपस में, तो देखो ये दोनों आपके गुणा हो रहे हैं ना,
तो ये दोनों तो कहाँ जाएगी बिल्कुल आपके, एक तो यहाँ पर आ गया, एक आपका आ गया यहाँ पर, ये दोनों तो मुख्य विकर्ण में आ गए आपके। अब बाद में ये दोनों गुणा होते ना, ये दोनों आपके पश्च विकर्ण में आ गए, यानी ए डॉट बी, और यहाँ पर भी ए डॉट बी, ये आपको इस तरह से लेके आना था, क्योंकि इसका वापस स्पर्शन करोगे ना तो पूर्व वाला प्राप्त हो रहा आपको। तो ये मेरे पास क्या प्राप्त हो गए हैं, जो इसका अर्थ था वो प्राप्त हो गया है, और इस सवाल में आपको ये सिद्ध करना था, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह आप नोट कर लो। तो ये हमने पढ़ा अभी कौन सा सवाल है, जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न था सवाल नंबर 3। ये 3 नंबर प्रश्न अभी, ठीक है ना, ये प्रश्न संख्या आपका 3 नंबर है, ठीक है, इसको हमने इस तरह से पढ़ा है। अब आगे पढ़ेंगे हम सवाल नंबर 4। तो देखिए सवाल नंबर 4 में आपको क्या करना है, देखो तो 4 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपके पास ये आ रहा है, यानी उसमें आपको क्या दिया गया है वो आप देखिए भी, प्रश्न संख्या 4 में, 4 नंबर तो प्रश्न हमारा, उसमें ये लिखा हुआ है, यानी आपको प्रूव दैट करना है, यानी आपको सिद्ध करना है क्या, प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी और प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर और प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर और बराबर आपको दिखाना है कितना, 0 दिखाना है, ठीक है, ये आपको देखो उसमें भी क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका बाएं पक्ष को चुन लेंगे LHS, तो आ रहा मेरे पास ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, उसके बाद में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस ए, और यहाँ पर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी। देखो ये जो यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ नॉर्मल गुणा नहीं है, यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इस बात का आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। इस वेक्टर वाले टॉपिक में आपको क्रॉस का अलग मतलब जानना है, यानी सदिश गुणनफल है, और डॉट का मतलब क्या होता है, अदिश गुणनफल। तो देखिए अब क्या करेंगे आप, देखो इन तीनों में आप बंटनता का नियम लगा देंगे, तो आ गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसी तरह आ गया बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, इसी तरह आ गया सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ये सारी बातें आपने कहाँ से लिखी है, बंटनता नियम से लिखी है, क्योंकि बंटनता नियम का मतलब ये होता है, यानी बाहर अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगा है या डॉट, मतलब आपको ध्यान रखना बंटनता नियम में क्या होता है, जैसे ए डॉट बी प्लस सी आ सकता है या ए क्रॉस बी प्लस सी आ सकता है, तो बंटनता नियम क्या करता है, इस डॉट को इन दोनों के साथ अलग अलग लगाता है, यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी या ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी, इसी नियम को क्या कहते हो आप, बंटनता का नियम कहते हो, ठीक है ना। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट में भी लागू होता है और ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी क्या होता है, लागू होता है। तो हमने यहाँ पर क्रॉस के हिसाब से लगाया है, तो इन तीनों में आपका मान क्या आ गया है, इस तरह से आपको प्राप्त हो गया है। अब देखिए हमें जो अपना आंसर वो 0 लेके आना है ना, अब देखो ए क्रॉस बी को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे तो आपका जो होगा ऊपर है, और यहाँ पर जो ए क्रॉस सी है ना, ये भी मेरे पास क्या रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है, और जो बी क्रॉस सी है वो भी मेरे पास क्या रहा है, सेम आ रहा है, मतलब इन तीनों को बिल्कुल नहीं बदलूंगा मैं। अब आगे देखो तीनों वाले मैं दिशा बदलूंगा, देखो मैंने बोल दिया कि बी क्रॉस ए को जब आप ए क्रॉस बी बनेंगे तो इसकी दिशा बदलेगी ना, उल्टी होगी दिशा इसकी, यानी माइनस हो जाएगा ये ए क्रॉस बी, जैसे आप बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी करते हो उसका मान माइनस हो जाता है, ठीक है ना, इसी तरह आप सी क्रॉस ए को क्या करोगे, आप माइनस में ए क्रॉस सी कर सकते हो, और इसी तरह आप सी क्रॉस बी को क्या करोगे, आप माइनस में बी क्रॉस से सी, आपने की दिशा बदलती है, क्योंकि आप जानते हो कि सदिश में क्या होता है, ए क्रॉस बी जो आपका है वो बराबर होता है किसके, मतलब बराबर नहीं होता किसके, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, और उसको आप जैसे बी क्रॉस ए लिखते हो तो हमेशा मान क्या देगा आपका, माइनस में जाएगा, यानी ए क्रॉस बी बराबर क्या आएगा, माइनस में बी क्रॉस ए के, ठीक है ना, जैसे आप उसकी दिशा बदलोगे तो आपका मान किसके बराबर आएगा, माइनस बी क्रॉस ए के हिसाब से मान आपका आएगा बिल्कुल बराबर, ठीक है ना, ये ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ये आपका ए क्रॉस बी सदिश है, ये भी आपका ए क्रॉस बी सदिश है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, 0 वेक्टर आ गया, ये भी आपका क्या है, ए क्रॉस सी सदिश है, और ये भी आपका ए क्रॉस सी सदिश के विपरीत दिशा में, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए,
और इसी तरह ये भी क्या हो गए दोनों आपके कैंसिल आउट हो गए। और हमें इसमें क्या करना था कि आपका इन सबसे आपको क्या प्राप्त हो गया, जीरो वेक्टर प्राप्त हो गया। जीरो वेक्टर का मतलब जीरो प्राप्त हो गया आपको, यानी बराबर क्या आ गया मेरे पास से आ रहा था। इस प्रश्न में आपको यही सिद्ध करना था। ये हमने कौन सा प्रश्न सीखा अभी, जो सवाल नंबर था हमारा 4 का, उसको हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है 5 नंबर, उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, देखो 5वां जो प्रश्न हमारा है उसमें देखो आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए आप। इसमें लिखा हुआ है कि वेक्टर ए कैप बी कैप सी कैप आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इक्वल जीरो आ रहा है ए डॉट सी एंड एंगल बिटवीन बी कैप एंड सी कैप इज 5/6 देन प्रूव दैट वेक्टर ए कैप इक्वल आएगा +-2 बी कैप क्रॉस सी कैप। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, मतलब जो दिया गया पहले वो सब देख लो आप। ठीक है, इसमें सीधा दिया गया है, इसमें एक तो दे रखा है कि तीनों यूनिट वेक्टर है, तीनों यूनिट वेक्टर होने का मतलब तीनों का जो परिमाण है ना यहाँ पर वो बिल्कुल क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर होने का मतलब एक तो बात ये क्लियर होगी कि तीनों सदिशों का परिमाण कितना आएगा, एक आएगा। और साथ में ये भी लिखा है कि तो ए कैप डॉट बी कैप और बराबर आएगा कितना, जीरो बराबर आएगा ए कैप डॉट ए सी कैप। ठीक है, साथ में लिखा है कि बी और सी के बीच में एंगल कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है, ये 5/6 आ रहा है। 5/6 इज एंगल बिटवीन बी कैप एंड ए सी कैप। ठीक है, दोनों बीच में एंगल आ रहा है। अब इसमें आपको प्रूव ये करना है, प्रूव क्या करना है वो देखिए आप, कि वेक्टर जो आपका ए कैप होगा वो +-2 वेक्टर बी कैप क्रॉस सी कैप की क्या आएगा, बराबर आएगा। ये आपको इसमें भी प्रूव करना है। देखिए इस प्रश्न में एक बात आप पहले अच्छी तरह जान लीजिए आप, सबसे पहले इनका प्रमाण एक है वो तो बात समझ में आ गई। ठीक है, ये तीनों का प्रमाण क्या है, एक है। अब देखो ए कैप डॉट बी कैप बराबर जीरो है और ए कैप डॉट सी कैप बराबर क्या है, जीरो है। सबसे पहले आप देखो कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर जीरो होने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर जो ए कैप है वो परपेंडिकुलर किस पर, वेक्टर बी कैप पर। ये बात मानते हो आप, क्योंकि आपने डॉट प्रोडक्ट के अध्ययन में यही पढ़ा है कि अगर ए डॉट बी बराबर जीरो होता है तो दोनों वेक्टर आपके क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर यानी लंबवत होते हैं। ठीक है ना, इसी तरह देखो आपको पता है कि ए कैप सी कैप है वो भी आपका जीरो आ रहा है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो ए कैप है वो सी कैप भी क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी दोनों आपस में क्या है, लंबवत है। ठीक है, ये बात आपने यहाँ तक मान ली है। अब देखो आपको पता लगा है कि ए है वो बी पर भी लंबवत है और ए है वो सी पर भी क्या है, लंबवत है, जबकि बी और सी के बीच में कौन कितना है, 5/6 है। तो देखो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं मान लो कि मेरे पास ये तो क्या है, मान लो वेक्टर बी कैप है और मान लो ये मेरे पास क्या है, वेक्टर सी कैप है। दोनों बीच में एंगल कितना रहा आपका, ये 5/6 आ रहा है, यानी 30 डिग्री आ रहा है। बी और सी दोनों वेक्टर है, उनके बीच में आपका एंगल कितने का आ रहा है, 5/6। ये प्रश्न में पहले से आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, हमारा जो वेक्टर ए है वो दोनों पर लंबवत है, और आप जानते हैं कोई एक वेक्टर अगर दो वेक्टर पर लंबवत होता है तो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट वाली कंडीशन से हो सकता है, हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है कि जो आपका ये वेक्टर सी कैप बनेगा, सॉरी ए कैप बनेगा, वो आपका क्या आएगा, इस सी पर भी लंब बताएगा और इस बी पर भी क्या आएगा, लंब बताएगा। ये केवल एक ही शर्त पर लंब बताएगा, जब ये बी क्रॉस सी की दिशा में आएगा तभी दोनों पर क्या आएगा, ये लंब बताएगा। इसलिए आपने ए कैप वेक्टर क्या मान लिया है, बी और सी दोनों पर आपने लंबवत मान लिया है। देखो आपको ये देखने में लग रहा होगा कि लंबवत कैसे, लेकिन आपको इसको बिल्कुल 3D में इमेजिन करना है, 3D जो होती है ना, त्रिविम निर्देशन ज्यामिति, उसमें आपको इमेजिन करना है। यानी जो मेरा वेक्टर है ए कैप वो इस तरह से आ रहा है, ये जो मार्कर है ना इसकी तरह, तो देखो मार्कर इस पर भी लंबवत है और मार्कर इस पर भी क्या है, लंबवत है, इन दोनों पर लंबवत है। ठीक है ना, इस तरह से मेरा वेक्टर क्या रहा है, जो आपका ए वेक्टर है वो आपको प्राप्त हो रहा है। और देखो इसकी जो दिशा होती है ना, हमेशा इस दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से आप प्राप्त करते हैं, ये पहला वेक्टर आपका, ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों पर क्या लंबवत है। ठीक है ना, इस तरह से आप इसकी जो दिशा है वो प्राप्त करते हो। तो यहाँ पर पहले आपको ये मानना पड़ेगा। अब देखो ये केवल यूनिट वेक्टर होता ना, तब तो आप इसमें क्या करते, इस ए कैप को आप ऐसा लिखते, यानी जो बी कैप सी कैप है ना, बी क्रॉस सी है, उनके ऊपर आप इसको लंबवत मान लेते। ठीक है ना,
लेकिन यहाँ पर प्रश्न में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास इसमें क्या है, ये ए कैप है, लेकिन इसको लिखना कैसे पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा, यानी आप मान लेंगे, माना ए कैप जो वेक्टर आपका होगा ना वो क्या आएगा, लेमडा और बी कैप क्रॉस सी कैप, इस तरह से आपको इसको मानना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है पहले। तो यहाँ पर देखिए, तो ए कैप वेक्टर वो आपका बी पर भी लंबवत है और सी पर भी लंबवत है, बी और देखो सी दोनों पर लंबवत आने का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका देखो यहाँ पर एन कैप बन रहा है, बिल्कुल इसके क्या आएगा, जो आपका ए वेक्टर होगा बिल्कुल क्या इसके समांतर आएगा, मान लो इधर भी ये देखो आपका, अब ए देखो आएगा तो कहाँ पर होगा पता नहीं है, लेकिन वो मतलब आएगा बिल्कुल क्या इसके समांतर आएगा, ये आपका जो ए कैप है वो बिल्कुल इस एन कैप के क्या आएगा, समांतर आएगा। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में नियम बताया था, जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, मान लो एक मेरे पास के वेक्टर बी है, अगर ये वेक्टर ए अगर बी के समांतर होता है तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए का मान क्या आएगा, लेमडा बी के बराबर आएगा, यानी ये कोई ना कोई एक अचर राशि से गुणा हो जाएगा, नहीं आता है क्या, जैसे मान लो कि आपका वेक्टर ए ही होता है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस दो के कैप, अब वेक्टर बी अगर इसके समांतर है तो क्या करना पड़ेगा, इसको किसी अचर राशि से गुणा करना है, जिस दो से गुणा कर दिया आपने, तो दो आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस चार के कैप, तो दोनों आपस में क्या हो गए, ये समांतर हो गए। तो समांतर होने के लिए ध्यान में रखना आपको क्या, कि जो आपका दूसरा वेक्टर है उसके एक अदिश गुणनफल से जो वेक्टर बनेगा वो क्या माना जाएगा, उसके समांतर माना जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा वेक्टर ए है वो क्या आएगा, लेमडा बी की फॉर्म में, ठीक है ना, लेकिन आपको जो वेक्टर लेना अपना वो किसके समांतर लेना है, वो आपको इस न तो बी के समांतर लेना है ना आपको सी के समांतर लेना है, जो आपको यहाँ पर देखो ये बी क्रॉस सी देखो प्राप्त हो रहा है ना आपको यहाँ पर, ये एन कैप की दिशा में जो आपको देखो ये बी कैप क्रॉस सी कैप प्राप्त हो रहा है, ये बी क्रॉस सी को दर्शा रहा है वेक्टर आपका, इसी के समांतर आपको अपना वेक्टर वो लेना है। तो आप इसके लिए क्या मानेंगे, तो पहले आप लिखोगे चूंकि वेक्टर ए कैप बी कैप तथा सी कैप दोनों पर लंबवत है इसलिए वेक्टर ए कैप बी कैप क्रॉस सी कैप की समांतर होगा, मतलब इनसे जो नया वेक्टर बनेगा उसके बिल्कुल क्या आएगा, समांतर आएगा, समांतर होगा, जब इसके समांतर होगा तो आप लिख देंगे इसलिए वेक्टर ए कैप का मान आएगा मेरे पास लेमडा बी कैप क्रॉस सी कैप, क्यों लेमडा तो पता नहीं कितना आएगा उसका परिवर्तन, ठीक है ना, लेकिन आएगा वो बी क्रॉस सी की दिशा में आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये आपने लिख दिया है, अब देखो आपको इसमें क्या पता है, इसी देखो बात हम करेंगे बाद में, ये फिलहाल पड़ा एक बार। अब हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर जो बी क्रॉस सी है ना, पहले उसकी देखो हम बात कर लेते हैं अलग से, बी क्रॉस सी जो होता उसका परिमाण आपने ये पढ़ा है, मान क्या होता आपका, बी कैप का परिमाण सी कैप का परिमाण साइन थीटा और एन कैप, ये पढ़ रखा आपने। अब देखो इस प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या रहा है, इस प्रश्न के अनुसार आपके पास मान ही आएगा, यानी आप ये लिख दोगे इसमें, अभी क्या लिख दोगे आप, इसके लिए आपको ये लिखना, मतलब ये तो बिल्कुल रखना आपको एक बार सेम इसका मान, तो पता नहीं आपको ख्याल भी, यहाँ बी कैप इसका प्रमाण क्या होता है, एक होता है, इसका प्रमाण क्या है, एक, और यहाँ पर आएगा साइन पाई बाई सिक्स, क्योंकि दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, पाई सिक्स तो बन रहा है ना बी और सी के बीच में, और एन कैप को आप जो कहते हो अभी लिख दो, ठीक है ना। इसमें अब देखो बी कैप क्रॉस सी कैप का मान मेरे पास क्या आ गया, इसका मान एक बटा दो होता है एन कैप, ठीक है ना, ये आ गया प्लस बी। अब देखो आपको पता है कि जो ए कैप है मेरे पास वो कितना था, लेमडा बी क्रॉस सी था, ये था ना। अब ए कैप का मान मेरे पास कहेगा लेमड़ा तो क्लब सेम, एक बार इसकी जगह आपने ये लिख दिया ऐसे, कितना, एक बटा दो एन कैप वेक्टर। अब देखो मेरे को यहाँ पर पहले क्या करना है, इस लेमडा का मान निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा, दोनों मतलब इसका जो आप ही लेंगे, यानी जो ए कैप वेक्टर है उसका परिमाण का स्क्वायर ले लेंगे, यानी आप इसका वर्ग करते एक तरीके से, तो इसको आप ऐसे तो लिखते हो ना ए कैप डॉट ए कैप, ऐसा लिखते हो आप इसको। अब यहाँ पर मेरे पास क्या, इधर द्वारा ए कैप के परिमाण का स्क्वायर, इधर आप इसकी जगह मान ही लिख दोगे, यानी कितना, लेमडा बटे दो एन कैप डॉट लेमडा बटे दो एन कैप, ये तो लिखोगे आप इसको, तो आपका मान आ जाएगा। इसका तो मान देखा आपको एक, पहले से पता है आपको ए कैप का जो परिमाण होगा वो मेरे पास एक ही आएगा ना, ए का स्क्वायर, इधर मेरे पास आएगा लेमडा स्क्वायर बटा चार इंटू आएगा एन कैप डॉट एन कैप, तो ये एक हो गया, ये लेमडा स्क्वायर बटे चार, और देखो ये भी इकाई सदिश है, तो इसके प्रमाण का करोगे तो क्या आएगा मुनाफा, ए क्या आएगा इसका। अब मेरे पास यहाँ पर लेमडा स्क्वायर है उसका माना जाएगा चार, और लेमडा का माना गया मेरे पास कितना, प्लस माइनस से दो प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो आपने ये लिख दिया यहाँ तक,
अब देखो ये लेमडा का जो आपने मान प्राप्त कर लिया, लेकिन वास्तव में आपको तो ए कैप का मान निकालना था ना इस तरह से। अब जो लेमडा का मान है ये वाला आपको यहाँ रखना है, ये ना आपको लिखना है लेमडा का मान समीकरण एक में रखने पर। अब जैसे आप समीकरण एक में लेमडा का मान रखोगे, तो देखो मैं इसको यहाँ थोड़ा सा मिटा दूँ इसको एक बार, तो आपको क्या प्राप्त होगा, जो वेक्टर ए कैप है ना, यहाँ देखो आप लेमडा का मान रख लो इसमें, तो मान आपका आ गया प्लस माइनस दो कोष्टक में बी कैप क्रॉस है सी कैप, और इसमें आपको ए सिद्ध करना था, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है प्लस में। तो ये था हमारा कौन सा सवाल नंबर 5। अब देखिए आप नेक्स्ट अगला प्रश्न, छठे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, तो मिटा मिटा दो इसको, नोट कर लो पहले आप। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और जो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा उसमें ये आ रहा है, तो नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है छठे में, सॉरी 5 का था वो, ठीक है छठा ये प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण का आपको मान प्राप्त करना है, ठीक है, और जबकि दे रखा क्या है, वेक्टर ए का परिमाण तो है 10 मात्रक और वेक्टर बी का परिमाण कितना है 2 मात्रक है, और साथ में ए डॉट बी कितना आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है 12 आ रहा है। अब देखिए आप यहाँ पर ए क्रॉस बी का परिमाण है वो आप कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी बात तो करेंगे बाद में, पहले जो हमें ए डॉट बी दे रखा हम उसकी बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। तो इससे आप क्या करेंगे अभी, तो देखो पहला काम हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, जो ए डॉट बी वेक्टर दे रखा है उसका हमने पहले यहाँ पर प्रयोग कर लिया। अब देखो इसका मान मेरे को पता है कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 लिख दिया आपने, ठीक है। ए का परिमाण कितना है 10, इंटू बी का परिमाण कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है ना, और साथ में मेरे पास क्या रहा है कॉस थीटा। पहले मैं इसमें कॉस थीटा का मान निकालूंगा अभी, तो कॉस थीटा का मान मेरे पास आ गया 12/20 आ गया, 20 हो गया ना ये। अब कॉस थीटा का जो मान मेरे पास है वो आ गया कितना 3/5। ये तो पहले आपने क्या प्राप्त कर लिया, एक बार जो कॉस थीटा है उसका आपने मान प्राप्त कर लिया है। अब देखिए इसी के अनुसार आपको क्या निकालना है, साइन थीटा के, क्योंकि आपको उसमें साइन थीटा का मान भी चाहिएगा, ठीक है ना। तो पहले आप यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालो सीधा, या सीधा उसमें काम लेना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, पढ़ाई एक बार चलो। अब मेरे को निकालना क्या, यहाँ पर ए क्रॉस बी है उसका देखो मेरे को परिमाण निकालना है। अब ए क्रॉस बी का जो परिमाण निकालोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर आप इसको लिख देंगे ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, इस पूरे का परिमाण लेना आपको, यानी हमारे पास इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, और ये जो वेक्टर आएगा उस पूरे का लेना आपको परिमाण। तो यहाँ पर देखो सीधा इनका मान रख दो एक बार, अभी आप ए का परिमाण तो मेरे पास क्या रहा था 10 आ रहा है। देखो यहाँ पर परिमाण लेने का मतलब क्या है कि वेक्टर की फॉर्म नहीं रहेगी, सारा का सारा मान किस में आ जाएगा, आपका परिमाण में आ जाएगा, यानी ए का परिमाण तो वापस ए का परिमाण ही हो गया, बी का परिमाण या साइन थीटा का परिमाण लेना आपको या एन कैप का परिमाण। देखो यहाँ पर परिमाण लेने का मतलब आपको केवल धनात्मक राशि काम में लेनी है। ए कैप का परिमाण मेरे पास कितना है 10 आ रहा है पहले से, बी कैप का परिमाण आ रहा है कितना 2, साइन थीटा का परिमाण, यानी साइन थीटा के लिए आप इसको मान आपको क्या लिखना, पहले ये लिखना आपको रूट में 1 cos² θ, साइन का मान ये होता है आपका, और इंटू में इसका मान क्या जाएगा आपका 1। अब ये तो आ गया मेरे पास 20, इसको आप ले देंगे रूट में 1 cos² θ का मान क्या 3/5 है ना, तो इसको आप 9/25 कर दोगे, और गुणा में आ रहा है 1, अभी आ रहा है 20 गुणा, इसको सरल करोगे ना आप तो आपको धनात्मक और ऋणात्मक दो मान आएंगे, लेकिन आपको केवल प्लस वाला लेना काम है, क्योंकि आपने प्रमाण लिया इसका, तो मान इसका आ जाएगा आपका 4/5। अब जब ये 4/5 मान आ गया है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर भी ये लिखना पड़ेगा कि जो आपका मान है वो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें 16 कैसे आएगा, इसे काट लो पहले एक बार आप इसको 5 बार,
सॉरी 4 बार, ठीक है ना। तो अभी जो मेरे पास क्या हुआ, ए क्रॉस बी का जो परिमाण है वो मेरे को कितना प्राप्त हो गया है, वो 4 × 4 यानी ए क्रॉस बी का परिमाण है वो मेरे को 16 मात्र प्राप्त हो गया है, ठीक है ना। ऐसे आपको इसको प्राप्त करना था। इसी देखो श्रृंखला में आएंगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, 7वां प्रश्न है। तो देखो 7वें प्रश्न में हमारे पास क्या आ रहा है, तो देखो पहले मैं इसके बारे में मिटा देता हूँ अभी। अब देखो 7वां जो प्रश्न रहेगा हमारा, उसमें ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, यानी आपको दो वेक्टर दे रखे हैं। एक तो मान लो आपका वेक्टर ए है जो कितना है, जो 4i-j+3k, 4i-j+3k। एक मेरे पास क्या है वेक्टर बी है और उसका परिमाण मेरे पास कितना रहा है, माइनस का 2i+j और प्लस का 2k, सॉरी माइनस का 2k, ठीक है ना, ये माइनस का 2k। अब इसमें आपको क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर प्राप्त करना है जिसका परिमाण तो कितना आएगा, 9 मात्रक आएगा। मान लो सी वेक्टर है मेरे पास, उसका परिमाण तो आएगा 9 मात्रक, ठीक है। लेकिन ये दोनों पर बिल्कुल क्या आना चाहिए, लंबवत आना चाहिए। तो देखो आपको पता है यहाँ पर ये वेक्टर ए है आपका और ये वेक्टर बी है। अभी जो आपका वेक्टर बनेगा कौन सा, ये वाला सी वेक्टर, तो देखो दोनों पर लंबवत आएगा, मतलब ये किसकी दिशा में आएगा, ये आपका उस एन कैप की दिशा में आएगा जो इन दोनों पर क्या होगा, लंबवत होगा। लेकिन देखो आपको इसका परिमाण दे रखा है पहले से यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस परिमाण को उसके मात्रक सदिश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर मान लेंगे, यानी आप लिखेंगे चूंकि वेक्टर सी ए तथा वेक्टर बी दोनों पर लंबवत है, लंबवत है, इसलिए आप क्या मानेंगे, इसलिए माना वेक्टर सी आपका यह आ जाएगा कितना, इसका सी का परिमाण आ गया एक, तो डॉट ए क्रॉस बी, यानी आप इसको यहाँ पर एन कैप लिख दो, ठीक है ना, एन कैप, और एन कैप कौन सा, ये एन, इसी तो एन कैप की बात कर रहे हो ना आप, ठीक है ना। ये सी वेक्टर आपका जो इस बिल्कुल क्या है, एन कैप के समांतर है, और एन कैप कैसे प्राप्त करते हो जानते हो यहाँ पर, इसे तो यहाँ पर आ गया मेरे पास सी का परिमाण डॉट, इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी बटे में क्या आएगा, इसी ए क्रॉस बी का आ जाएगा परिमाण। क्योंकि इकाई सदिश से जब आप किसी के परिमाण को गुणा करते हो ना, तो परिमाण आपका वही रहता है, ठीक है ना। जिससे 9 को मैं अगर 1 से गुणा करूँ तो उसका परिमाण 9 ही रहेगा ना, लेकिन दिशा क्या आ गया, आप इस इकाई के अनुसार आ गई। तो यहाँ पर जो वेक्टर सी आपका है वो कितना आ गया, इसका तो मान पता आपको 9, यहाँ पर 9 × a×b बटे मारा है ए क्रॉस बी का परिमाण, ठीक है ना। पहले हम इन दोनों का मान निकाल के लाते हैं और बाकी बात हम बाद में करते हैं। तो फिलहाल आपकी यह समीकरण नंबर 1 है। अब चलते हैं पहले कहाँ पर, पहला काम मेरे को ए क्रॉस बी का मान है वो प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आप आई कैप जे कैप और के कैप लिख दोगे। अब देखिए ए का मान तो आपका देगा इसमें 4 − 1 और ये 3, इसका आ गया माइनस में 2 1 और ये माइनस का 2। इसका पहले आप देखो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, प्रसरण कर देंगे, तो 2 − 3 − j कैप के इनटू में क्या आएगा आपका, −8 + 6 प्लस के कैप के इनटू में क्या आएगा, 4 + 2 यानी -2 हो गया वापस। अब देखो यहाँ पर मान आपका आ रहा है माइनस में आई कैप और यहाँ पर आ रहा है प्लस में 2 j कैप और वहाँ पर आ रहा है प्लस में 2 k कैप। अब ये तो जो आपने वेक्टर प्राप्त किया वो ए क्रॉस बी की फॉर्म में आपने इसको प्राप्त किया है, तो साथ में आपको ए क्रॉस बी का परिमाण भी निकालना है ना। जब आप इनका परिमाण निकाल दो तो कितना आएगा आपके पास मान, 1 + 4 + 4 √9 यानी 3 मात्रक आ गया। अब इसका मतलब ये सारा मान आपको वापस कहाँ रखना, समीकरण 1 रखना है। तो आप लिखोगे पुनः समीकरण 1 से, तो मेरे पास वेक्टर तो को सी क्या देगा, 9 तो पहले से पता ही आपको इसका परिमाण था। अब इस ऊपर वाले का मान तो मेरे पास आया माइनस में आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस का 2 k कैप, ये तो ए क्रॉस बी का परिमाण हो गया, मान हो गया आपका वेक्टर का।
इसका परिमाण था वो आपको कितना था, तीन आया था यहाँ पर, तीन से कटा इसको तीन बार, और वेक्टर सी का मान आएगा माइनस में तीन आई कैप प्लस में छः जे कैप और प्लस में छः के कैप। तो ये आपने वेक्टर सी प्राप्त कर लिया है जो क्या है ए और बी दोनों पर लंबवत भी है और साथ में इसका परिमाण भी कितना आ रहा आपके पास है, इसका परिमाण है वो भी आपके पास नौ मात्रक आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो हम आगे नेक्स्ट अपना जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आठ उसकी देखो बात अभी करते हैं। तो देखिए आठ नंबर जो प्रश्न हमारा है उसमें आपको क्या दिया गया है उसको आप देखिए कैसे करना है। देखो जो आठवां प्रश्न हमारा है उसमें आपको दो वेक्टर ए और बी दिए गए हैं, आपको पहले क्या करना है उन दोनों को प्रूव करना है अलजेब्रिक रूप से, बाद में उसकी आपको ज्योमेट्रिकली व्याख्या भी करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप सबसे पहले आपने इसमें एलएचएस लिया है जो आ रहा है मेरे पास ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। अब देखिए पहले आप इसको ऐसा ले देंगे, मैंने ए वेक्टर लिख दिया है और इसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ लगा दिया है, फिर मैंने वेक्टर माइनस बी लिख दिया है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैंने ए सॉरी प्लस बी के साथ मैंने लगा दिया है। अब देखो यहाँ पर मैं बंटनता नियम काम में लूँगा जिससे मान आपका आएगा वेक्टर ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वेक्टर है ठीक है ना सर, ये वेक्टर की फॉर्म में है। उसके बाद में आ रहा है मेरे पास माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। अब देखो आप इस बात को जानते हैं कि कोई भी वेक्टर जब खुद का खुद के साथ सदिश गुणनफल होता है तो उसका मान जीरो होता है, जैसे आई क्रॉस आई का मान जीरो होता है, जे क्रॉस जे का मान जीरो होता है, ठीक है ना, वैसे आपका आई क्रॉस ए का मान क्या होगा जीरो हो गया, तो आपका जीरो वेक्टर आ गया यहाँ पर ठीक है। और प्लस ये आपका आ रहा है ए क्रॉस बी आ रहा है सेम, और यहाँ पर इसकी जब देखो दिशा बदल हो गया ना तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये बन गया आपका ए क्रॉस बी, इसका मान भी क्या है जीरो वेक्टर। तो देखो जीरो वेक्टर दोनों आपके हट गए, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं आपको, पर मेरे पास क्या आ गया ए क्रॉस बी वेक्टर और प्लस में ए क्रॉस बी वेक्टर, ये दोनों डबल हो गए ना, तो इसको आप करें डबल ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर मेरे पास क्या आ गया इसका आर एच एस। देखो ये तो आपने पहले इसको क्या कर दिया सीधा डायरेक्ट सीधे कर दिया है, लेकिन इस वाले में आपको क्या करना है इसको ज्योमेट्रिकली भी क्या करना आपको प्रूव करना है। अब देखो इसको ज्योमेट्रिकली आप कैसे दर्शाओगे, ठीक है बेटा, तो पहले मैं इसको अलजेब्रिक उतार लो पहले एक बार आप। अब इसका आप ज्योमेट्रिकली रूप देखिए क्या होता है, देखो इसका जो ज्योमेट्रिकली रूप है देखो उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा ज्यामितीय व्याख्या, ज्यामितीय व्याख्या करनी है आपको इसकी। तो देखो ज्यामितीय व्याख्या करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक समांतर चतुर्भुज मान लूँगा मैं, ठीक है ना, इस तरह से ये मान लो मेरे पास क्या है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, मैंने इस ए बी की दिशा में मेरे वेक्टर मान लिया कौन सा ए मान लिया मैंने, तब भी मेरे पास वेक्टर आएगा, फिर मैंने बी सी की दिशा में वेक्टर बी माना है, इधर भी क्या आएगा मेरे पास वेक्टर बी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं इधर जो वेक्टर ए सी प्राप्त करूंगा ये विकर्ण के रूप में, तो ये आप सबको पता है क्या आएगा ए प्लस बी वेक्टर आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब देखो एक मेरे को ए माइनस बी वेक्टर भी है वो भी क्या करना है प्राप्त करना है, तो मैं देखो एक इधर से मैं वेक्टर प्राप्त कर लूंगा, तो मान लो मेरे पास दूसरा वेक्टर मान लो ये हो गया डी बी वेक्टर। अब देखो इस डी बी वेक्टर का मान क्या आएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आएगा, ये क्यों आएगा ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, या मैं आपको दोबारा फिर से बताता हूँ देखो, ठीक है ना। तो देखिए इसकी ज्यामिति के रूप में आप पहले आपने मान लिया माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए आपने क्या लिख दिया, यानी आपने ए बी वेक्टर बराबर डी सी वेक्टर बराबर आपने वेक्टर ए मान लिया, ठीक है ना। इसी तरह आपने बी सी वेक्टर बराबर ए डी वेक्टर बराबर आपने वेक्टर बी मान लिया। देखो पहले आपने त्रिभुज ए बी सी का में लिया है, त्रिभुज ए बी सी में सदिशों के त्रिभुज योग नियम से, त्रिभुज योग नियम से
जब आप इसमें त्रिभुज योग नियम लगाओगे ना, तो यहाँ पर देखो मेरे पास ए सी वेक्टर का मान क्या देगा, ए बी प्लस बी सी आ गया, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है ना, तो ए सी वेक्टर का मान बन गया मेरे पास ए प्लस बी की फॉर्म में। अब मैं इस त्रिभुज ए डी बी को काम ले रहा हूँ, मैं त्रिभुज ए डी बी में सदिशों के त्रिभुज योग नियम से, त्रिभुज योग नियम से। तो इसमें लगाने पर आपके पास देखो दिशा विपरीत किसकी आ रही है, इस ए बी की दिशा विपरीत आ रही है, बाकी दोनों सेम दिशा आ रही है। तो यहाँ पर जो आपका ए बी वेक्टर होगा वो किसके बराबर आएगा, ए डी प्लस डी बी के योग के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो डी बी वेक्टर होगा वो क्या आएगा आपका, ए बी माइनस ए डी आ जाएगा। यानी डी बी वेक्टर मेरे पास क्या गया है, ए माइनस बी आपको प्राप्त हो गया है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एरिया ऑफ ए बी सी डी लिख रहा हूँ, मैं बराबर एरिया ऑफ ए बी सी डी लिख रहा हूँ। यानी मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी सी डी काम लेके चलता हूँ। और जब आप एरिया ऑफ ए बी सी डी लिखते हो तो उसमें आप जानते हो कि जब आप इसका एरिया निकालोगे, जैसे समांतर चतुर्भुज के अनुसार आपने इसका एरिया निकाला, तो आपके पास देखो इसमें क्या देगा, यानी एक तरफ तो आप इसको समांतर चतुर्भुज मान लेंगे और एक तरफ आप इसको क्या मान लेंगे, त्रिभुज के हिसाब से आप इसको मान लेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको इधर तो नहीं मान लिया समांतर चतुर्भुज, इसको मैंने इधर लिख दिया क्या, यानी एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए डी सी, ऐसे मान सकते हो आप इसको। अब देखो इधर जो आपके पास ए बी सी डी एरिया है, समांतर चतुर्भुज है, इसको देखो मैं एक समचतुर्भुज की तरह इसको व्यवहार में काम ले रहा हूँ, तो उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एक बटा दो, यानी वेक्टर जो आपका आ जाएगा इसमें क्या, ए सी, और क्रॉस में आ जाएगा क्या, वेक्टर आपका डी बी आ जाएगा। इसके हिसाब से अगर मैं इसको प्राप्त करूँगा तो, और उसमें जब आप ए बी सी निकाल दो इसको आप देखो डबल मान लेंगे, डबल एरिया ऑफ ए बी सी आप इसको मान सकते हो, क्योंकि ए बी सी का और ए डी सी का दोनों का एरिया बिल्कुल आपका समान आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बटा दो ए सी की जगह तो मान में क्या लिख दूंगा, वेक्टर ए प्लस बी लिख दूंगा, और क्रॉस डी बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा मान, इसकी जगह लिख दूंगा मैं वेक्टर ए माइनस से बी। उधर देखो दो द्वारा सेम, ए बी सी का एरिया क्या होगा, एक बटा दो वेक्टर ए क्रॉस से बी, ए इसका इस तरह से हो जाएगा। त्रिभुज का तो आप ये जानते हो, एक बटा दो ए क्रॉस बी होता है। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास है ये देखो दोनों तरफ आप जो एक बटा दो है ना, इनको देखो डायरेक्ट सीधा कट करो, यहाँ पर कट कर दिया ना, और मेरे पास आ रहा है ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर बराबर आ रहा है दो ए क्रॉस बी के। तो ये आपने इसकी क्या कर दी है, ज्यामिति व्याख्या कर दी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो प्रश्न बचे हैं उनको आपको खुद कंप्लीट करना है, नो और उसको, और बाकी प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन वो समय पर मिलता रहे। तो धन्यवाद।